Good morning, everybody. I'm Md. Amir Khan, Faculty of Science, Mahatma Gandhi, Shikshan Sansthan, Darbhanga. Today, I will teach chemical reaction and equation for class 10th. This is part 3 video. Actually, ये part 3 है. Part 1 और part 2 मैं already बना चुका हूँ. इस channel के description में आपको मिल जाएगा. आप जाकर के वहाँ से देख सकते हो. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में. ओके, एक्चुअली इस चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मैंने ऑलरेडी रिएक्शन को समझाया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया है. तो इस पे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है जो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे में मिल जाएगा. तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, चैप्टर को आगे ले चलते हैं. और टॉपिक अब हम लोगों का है यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल नो द मीनिंग ऑफ डिकम्पोज. आखिर ये डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोज वर्ड से आया है. तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि डिकम्पोज का क्या मतलब होता है. तो देखिए, एक्चुअली डिकम्पोज का मीनिंग होता है टू स्प्लिट. टू स्प्लिट का मतलब क्या होता है? टूटना. देखिए, जैसे ये मार्कर है ना, तो मार्कर अगर दो पार्ट में टूट गया तो इसी को बोलेंगे क्या? डिकम्पोज, मतलब टू स्प्लिट. तो डिकम्पोज का मतलब होता है, डिकम्पोजेस का मतलब होता है टू स्प्लिट, और उसी से ये वर्ड डिराइव हुआ है डिकम्पोजिशन. ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो टी आई ओ एन लगा हुआ है, तो इसका सीधा मतलब है कि अभी एक प्रोसेस बन गया. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन का प्रोसेस है जिसमें एक रिएक्टेंट स्प्लिट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है. तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में. तो इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन. एक्चुअली डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक प्रकार का रिएक्शन है इन विच वन रिएक्टेंट इज स्प्लिटेड. इसमें एक रिएक्टेंट टूट जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट. तो एक रिएक्टेंट टूटेगा तो उससे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा. इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट कितना होगा? ओनली वन. अब प्रोडक्ट कितना होगा? दो भी हो सकता है या दो से ज्यादा भी हो सकता है. जैसे मान के चलिए ये मार्कर है, तो अगर इस मार्कर को तोड़ा जाए तो ये दो पार्ट में भी टूट सकता है या दो से ज्यादा पार्ट में भी टूट सकता है. लेकिन फिलहाल तो एक ही मार्कर को तोड़ा जा रहा है ना. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट तो एक होगा, प्रोडक्ट एक या सॉरी प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो सकता है. एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है उसको एनर्जी देने के बेसिस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप का होगा. ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू ब्रेक डाउन ऑफ द रिएक्टेंट, एक्चुअली डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए थ्री टाइप. डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके का होगा. आप इस वीडियो को पॉज करके इस डिफिनेशन को नोट कीजिए. ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के होंगे. किसके बेसिस पर? हमें रिएक्टेंट को जो हम एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी के बेसिस पर आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के होंगे. एक होगा आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होगा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड द थर्ड टाइप इज व्हाट? फोटोलाइसिस. तो देखिए, अगर कोई रिएक्टेंट है, अगर उसे मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं तोड़ने के लिए तो उसको हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर कोई रिएक्टेंट है और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, करंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस. अगर कोई रिएक्टेंट है और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको स्प्लिट करने के लिए मैं लाइट प्रोवाइड कर रहा हूं, बिकॉज द वर्ड फोटो स्टैंड फॉर लाइट, तो वो हो जाएगा फोटोलाइसिस. क्लियर हो गया? तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेसिस पर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको तीन टाइप के होंगे, जिसमें आज मैं सबसे पहले शुरू करूंगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एक्चुअली ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है आर के, और उसका जो पावर होगा वो एन. ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है. तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन स्टूडेंट. तो एक्चुअली द वर्ड थर्मा स्टैंड फॉर हीट. ये जो वर्ड है ना थर्मल, ये थर्मल वर्ड आया है थर्मा से, और थर्मा का मतलब होता है हीट. छोटा सा एग्जाम्पल ले ले, आपने सुना होगा थर्मोमीटर. थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मो का मतलब हीट हो गया, और मीटर का मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट हो गया. मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बॉडी के हीट को या किसी भी ऑब्जेक्ट के हीट को मेजरमेंट करे उसको बोलते हैं क्या? थर्मोमीटर.
क्लियर हो गया ना। तो एक्चुअली वो टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है हीट को इन टर्म थर्मोमीटर ना, हीट को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, थर्मोमीटर हीट को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर मेजर करता है कि किसमें कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या किसमें कितना डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, या बहुत सारा थर्मोमीटर तो केल्विन स्केल में भी क्या करता है, मेजर करता है। तीनों अलग अलग स्केल होता है, डिग्री सेल्सियस अलग होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट अलग होता है, और जो केल्विन होता है उसमें हम लोग डिग्री वर्ड नहीं लगाते हैं और केल्विन स्केल अलग होता है। तो थर्मोमीटर अलग अलग टर्म्स में हीट को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो वर्ड है थर्मा, थर्मा का मतलब क्या हो गया, थर्मा का मतलब हीट हो गया, ओके तो ये, और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, तोड़ना, स्प्लिट करना, डिकम्पोज करना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज डिकम्पोज और स्प्लिटेड टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, कब, जब हम उसको हीट सप्लाई करेंगे। द रिएक्शन इन विच ओनली वन प्रोडक्ट इज स्प्लिटेड डिकम्पोजेज टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट व्हेन वी हीट सप्लाई, कब, जब हम लोग हीट सप्लाई करेंगे। नाम से यह स्पष्ट ना, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबको समझ में आ गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनेशन क्या होगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो CaCO3, ये CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग मार्बल भी कहते हैं। तो CaCO3 का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कॉमनली हम लोग मार्बल भी कहेंगे। तो जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, तो अब देखिए ये हीट का सिंबल है, ये जो छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इसको डेल्टा बोलते हैं और ये हीट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे रेड लाइट एक डेंजर सिग्नल होता है ना, उसी तरह ये जो छोटा सा ट्रायंगल आप देखते हो किसी भी इक्वेशन में, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, हीट का। तो जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी टूट जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा और बनाएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकलेगा। तो इसलिए अब हम इसको अपवर्ड एरो से दिखाएंगे, ये स्किप कर जाएगा, क्लियर हुआ। इसको अपवर्ड एरो से नहीं दिखा करके हम चाहे तो स्मॉल जी से भी दिखा सकते हैं, बिकॉज इट इज द फॉर्म ऑफ गैस। तो आप यहां पर देख सकते हो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कितना है, एक, लेकिन प्रोडक्ट कितना है, दो। इस रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि इस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए मैंने क्या प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह मैं आपको दो चार और एग्जांपल देने वाला हूं जो कि एनसीईआरटी बुक का है, इस वीडियो को पॉज करके आप इसे जल्द से जल्द नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 9 में, पेज नंबर 8 में कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, पेज नंबर 9, पेज नंबर 8 में कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है जो कि मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो अब चलिए अब यहां पर देखते हैं PbNO3 का होल 2, इसको कहते हैं लीड नाइट्रेट। एक्चुअली ये लीड नाइट्रेट है, एक कंपाउंड है। तो लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, तो यहां पर लीड नाइट्रेट डिकम्पोज करके टूट के तीन प्रोडक्ट बनाता है, कितना प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, आप देख सकते हो लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, क्लियर हुआ। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्यों, चूंकि लीड नाइट्रेट डिकम्पोज कर रहा है किसके मदद से, हीट के मदद से। इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, जो कई बार एग्जामिनेशन में लीड नाइट्रेट का क्वेश्चन आता है और बोलता है राइटर कि इसको बैलेंस करने के लिए, ओके तो बैलेंस करने के लिए आप यहां पे क्या करोगे, यहां पर 2 लगाओगे, फिर यहां पर भी क्या लगाओगे, 2 लगाओगे और फिर यहां पे क्या करोगे, 4 लगाओगे। तो इस तरीके से आपका ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मैंने ऑलरेडी बैलेंसिंग के बारे में बताया हुआ है, बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितना भी एटम है उसको बराबर कर देते हैं। और हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को ओबे करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि जॉन डाल्टन ने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट। एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है
वो जॉन डाल्टन से आया है। याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में भले किसी और ने उसे मॉडिफाई कर दिया हो, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो 9th और क्लास 11th में है उसका कॉन्सेप्ट जॉन डाल्टन से आया है, जो कि डाल्टन ने ही बताया था 1808 में अपने थ्योरी में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और यही इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, और हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्यों, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो जाए। तो अब यहां पर आप देख सकते हो रिएक्टेंट में 2 लीड है, प्रोडक्ट में भी कितना लीड है, 2। आप देख सकते हो रिएक्टेंट में 2 इधर नाइट्रोजन, 2 इधर से, क्योंकि ये 2 इधर से मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 इधर से मल्टीप्लाई करेगा, तो रिएक्टेंट में कितना नाइट्रोजन है आपको, 4 नाइट्रोजन है। प्रोडक्ट में भी देखो 4 नाइट्रोजन हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्टेंट में देखो 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन और 6 × 2 = 12 ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन देख लो आप, इधर हो गया 2 ऑक्सीजन, इधर 4 × 2 = 8, तो 8 + 2 = 10, और फिर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें लीड नाइट्रेट डिकम्पोज करके 3 प्रोडक्ट बना लेता है। एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, यहां पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस के फॉर्म में एक प्रोडक्ट निकलता है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ब्राउन कलर का गैस होता है, किस कलर का, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ब्राउन कलर का गैस होगा, क्लियर हो गया। और ऑक्सीजन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो इसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और ये भी जब टूटता है तो 3 प्रोडक्ट बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3 सॉलिड, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है SO2, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है SO3, क्लियर हो गया। क्योंकि ये गैस के फॉर्म में इसलिए हम लोग इसको अपवर्ड एरो में दिखा रहे हैं, इसको बैलेंस करने के लिए कुछ खास नहीं है, इसके आगे बस 2 लगा देना है तो ये बैलेंस हो जाएगा, क्लियर हो गया। उसी तरह अब लास्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं जिंक कार्बोनेट का। तो देखो स्टूडेंट, ये जिंक कार्बोनेट है, तो जब हम लोग जिंक कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो जिंक कार्बोनेट भी डिकम्पोज कर जाएगा, ये टूट जाएगा जिंक ऑक्साइड में सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इक्वेशन जानबूझ करके मैंने लिखा है नीचे वाला। कई बार बहुत सारा इक्वेशन आपको ऐसा भी मिलेगा जो ऑलरेडी पहले ही से बैलेंस होता है, उसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, और जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करना ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में आपने क्या सोचा, क्या समझा, एक रिएक्टेंट होगा, उसको हम लोग हीट देंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसको हम लोग हीट देंगे तो वो हीट एनर्जी के मदद से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस वीडियो को पॉज करके आप इस एग्जांपल को नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक्चुअली द वर्ड इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर व्हाट, करंट। ये इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, करंट होता है, एंड लाइसिस स्टैंड फॉर व्हाट, टू स्प्लिट। तो इलेक्ट्रो का मतलब करंट हो गया और लाइसिस का मतलब क्या हो गया, टू स्प्लिट। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इट डिकम्पोजेस इज स्प्लिटेड टू फॉर्म 2 or more than 2 प्रोडक्ट व्हेन वी करंट पासेस। ऐसा कब होगा, जब हम लोग करंट पास करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट डिकम्पोज करके, टूट करके, स्प्लिट करके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। कब, जब हम लोग करंट पास करते हैं, ओके। इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब यहाँ पे लाइसिस होगा, यहाँ पर टूटेगा। कब, जब हम लोग करंट देंगे। तो चलिए आप कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप मॉल्टेन NaCl ले लो। अब आप सोच रहे होगे मॉल्टेन का मतलब क्या होता है, तो मॉल्टेन का मतलब होता है पिघला हुआ, ओके। तो अब आप मॉल्टेन NaCl ले लो, तो जब आप मॉल्टेन NaCl में जब करंट पास करोगे ना, तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैंने ऐसे ही एग्जांपल दिया। एक्चुअली बहुत सारे लोग कुछ गलती कर देते हैं। एक्चुअली NaCl 2 फॉर्म में स्प्लिट होता है, एक तो एक्वस NaCl,
एक्वा का मतलब वाटर है, तो अगर आप एक्वस NaCl लोगे और उसको डिकम्पोजिशन करोगे तो प्रोडक्ट कभी भी Na और Cl2 नहीं बनेगा, वो क्लोर अल्कली हो जाता है, उसमें प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। आप सोचोगे मोल्टेन NaCl लिया तो प्रोडक्ट बना Na सॉलिड और क्लोरीन गैस, लेकिन एक्वस NaCl ले लोगे मतलब वाटर में डिजोल्व किया हुआ NaCl, तो प्रोडक्ट बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और H2 गैस, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, जो कि आपको सेकेंड चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट में NCERT बुक पेज नंबर 30 में दिया है, आप जाकर के देख सकते हो। वो भी एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइसिस है, लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो मोल्टेन NaCl लोगे तो Na सॉलिड और Cl2 गैस बनेगा, एक्वस NaOH लोगे तो प्रोडक्ट आपको क्या बनेगा स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 गैस और H2 गैस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस का एकदम VVI टॉपिक है, जो इस साल 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया था, वो था आपको H2O से रिलेटेड। एक्चुअली H2O मींस वाटर, तो अगर आप वाटर में करंट पास करोगे, और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो वाटर भी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, एक आपको H2 गैस और एक आपको O2 गैस। क्लियर हो गया? अब देखो, अब यहां पर इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में दो हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी दो हाइड्रोजन, बट रिएक्टेंट में एक ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में दो ऑक्सीजन, तो बैलेंस करने के लिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो गया स्टूडेंट, तो यहां पर जो हाइड्रोजन हो गया वो हमारा हाइड्रोजन हो गया 4 हाइड्रोजन हो गया ना, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है 2, तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब आप यहां पर एक चीज देख सकते हो, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से डबल प्रोड्यूस हो रहा है। एक्चुअली यही क्वेश्चन आया था 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा गैस है जो डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें आंसर होगा क्या, हाइड्रोजन गैस। हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में जो प्रोडक्ट होता है उसमें हाइड्रोजन हमेशा डबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर मान के चलिए, अब इस क्वेश्चन को ट्विस्टेड भी कभी कभी कर सकता है राइटर, अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल 50 ml, क्योंकि गैस है तो इसके लिए हम लोग वॉल्यूम यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर मान के चलो प्रोडक्ट में 50 ml ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है तो हाइड्रोजन कितना बनेगा, इसका जस्ट डबल, इसका मतलब 100 ml हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में डबल होता है आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लियर हुआ? तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। अब इसको साइंटिफिक तरीके से समझते हैं, देखिए 2 moles of water लेंगे, 2 moles of water, तो प्रोडक्ट में 2 moles of hydrogen बनेगा एंड 1 moles of oxygen बनेगा। तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में बताऊंगा, इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ते हैं एक एक्टिविटी के मदद से, एक्सपेरिमेंट के मदद से। तो अब हम लोग NCERT बुक का एक्टिविटी 1.7 देखेंगे, जो कि NCERT बुक क्लास 10 पेज नंबर 9 में है। एग्जामिनेशन में एक्टिविटी का क्वेश्चन भी आता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द एक्टिविटी या नहीं तो राइट डाउन द एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, 5 marks का क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए, अगर हम ऐसे बनाएंगे तो 5 में 5 marks आएगा आपको। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को ना एक प्लास्टिक मग ले लेना है। क्या करना है, एक प्लास्टिक मग ले लेना है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें हम एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे प्रिकॉशन के लिए, तो हम उससे सेफ रहेंगे। तो एक प्लास्टिक मग ले लेना है, या एक बीकर भी हम ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फिर क्या कर लेना है, वाटर उसमें डाल देना है, याद रहे डिस्टिल्ड वाटर डालना है। ओके, डिस्टिल्ड वाटर जिसको हम लोग प्योर वाटर भी कहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डिस्टिल्ड वाटर इज इंसुलेटर, वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और डिस्टिल्ड वाटर तो कंडक्टर होता है, तो उसमें हम करंट कैसे पास करेंगे, तो डिस्टिल्ड वाटर को कंडक्टर बनाने के लिए 2-3 drops उसमें हम लोग कोई एसिड मिला देते हैं, HCl या H2SO4, ज्यादातर लोग HCl मिला देते हैं, तो उससे जो वाटर है वो मेरा एसिडिफाइड हो जाएगा, इसका मतलब वो डिस्टिल्ड वाटर अब आपका कंडक्टर हो गया, ताकि उसमें करंट आसानी से पास कर सके। ओके, उसके बाद चूंकि इलेक्ट्रोलाइसिस है तो एनोड लेना है, एनोड एक रॉड होता है,
जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड लेना है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद फिर क्या करना है कि एनोड और कैथोड को टेस्ट ट्यूब लेना है। आप टेस्ट ट्यूब जानते होंगे, लेबोरेटरी में होता है शीशे का टेस्ट ट्यूब। तो इन्वर्टेड, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को हमको कैथोड और एनोड के ऊपर क्या कर देना है, डाल देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब क्यों लिए है, वजह है मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको एक छोटा सा एक्टिविटी यहाँ पर लाइव करके दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट, देखो जैसे मान के चलो कि ये कैथोड हो गया, तो ये कैथोड और ये टेस्ट ट्यूब है। तो अभी तो टेस्ट ट्यूब सीधा है, अब इसको इन्वर्ट कर देना, इन्वर्ट मतलब उल्टा, और तब इसके ऊपर इसको ऐसे डाल देना। तो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब मैंने डाल दिया, अब देखो अब फर्दर आगे क्या कर देना। तो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को एनोड के ऊपर भी डाल देना और कैथोड के ऊपर भी डाल देना है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। इससे एक फायदा ये भी होता है इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब से, जो वाटर है ना वो वाटर स्किप करके थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता है। अब आप देख सकते हो एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 9 में भी देखना, बीकर में वाटर का लेवल यहां तक है, लेकिन इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर चला गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछना, मैं इस पे आपको वीडियो बना करके बताऊंगा। ओके, उसके बाद फिर क्या कर देना है, एनोड और कैथोड को वायर के मदद से नीचे लाना है। एक स्विच लेना है, बैटरी लेना है 6 वोल्ट का। तो ये आपका इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब हो गया, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये बीकर हो गया, प्लास्टिक मग भी ले सकते हैं इसके जगह पर, एसिडिफाइड वाटर हो गया, ये वायर हो गया जो बैटरी और स्विच के मदद से कनेक्टेड है। अभी मैंने करंट को ऑन नहीं किया है, तो जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा तो आपको पता है कि करंट फ्लो होना कंप्लीट हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो करेगा, और करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है। तो देखो स्टूडेंट, करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक करंट फ्लो करेगा, और जैसे ही करंट अब वाटर में जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस होना शुरू हो जाएगा और यहां पर बबल्स आना शुरू हो जाएगा। मतलब वाटर अब इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो गया है और वाटर दो पार्ट में टूट जाएगा, H2 और O2 में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन है O2, ऑक्सीजन मूव करेगा एनोड की तरफ, याद रखना है ऑक्सीजन मूव करेगा एनोड की तरफ, जबकि जो हाइड्रोजन होगा वाटर में वो मूव करेगा कैथोड की तरफ। तो जब वाटर टूट जाएगा, इट मीन जब H2O आपका ब्रेक करेगा करंट के मदद से, करंट को हम लोग I से भी दिखाते हैं, तो बनेगा H2+O2। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 और यहां पे 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पर। हाइड्रोजन कहां प्रोड्यूस होगा, कैथोड पर, जबकि ऑक्सीजन कहां प्रोड्यूस होगा, एनोड पर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग लैबोरेटरी में कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस पे गया है, तो बहुत आसान सा जवाब है। शायद आपको ये बात पता होगा कि हाइड्रोजन बर्न करता है पॉप सॉन्ड के साथ, तो कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हो जाएगा तो स्विच को हम ऑफ करेंगे, मैचस्टिक लेंगे, तो मैचस्टिक जलाएंगे, जैसे एक छोटा सा एक्टिविटी मैं करके आपको दे, तो मैचस्टिक लेंगे, तो मैचस्टिक जलाएंगे और जहां पर पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा समझ जाएंगे वहां पर हाइड्रोजन है। तो पॉप साउंड किस पर प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा कैथोड पर, क्योंकि हाइड्रोजन कैथोड पर डिपोजिट हुआ है। जिस पर पॉप साउंड नहीं होगा मतलब वहां पर हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा गैस किस पे डिपोजिट हुआ। आप इस वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को नोट कीजिए और आगे मैं आप आपको रिडॉक्स रिएक्शन के मदद से इक्वेशन को बैलेंस करके बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि VVI है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखेंगे बाय रिडॉक्स। एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ना ही है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। रिडॉक्स 2 वर्ड से आया है, रेड का मतलब रिडक्शन होता है और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। एक चीज याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब वाटर में जब हम लोग करंट पास करते हैं तो देखिए होता क्या है। बेसिकली सबसे पहले क्या होगा कि आपको जो वाटर में ना वाटर में आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है,
ऑक्सीजन के बारे में आपको पता होगा, क्लास नाइन्थ में पढ़े होंगे, ऑक्सीजन का वैलेंसी दो होता है और ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी होता है कि वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। क्योंकि जहां तक बात ऑक्सीजन का है तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको 8 है। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या होगा, 2-6 होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसका मतलब ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है ना। और जनरली जो हाइड्रोजन है वो आपको H प्लस के फॉर्म में होता है, और ये H प्लस तभी होगा जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के चार्ज को अगर देखोगे तो वाटर पे 1 प्लस चार्ज होता है। अगर आप वाटर में हाइड्रोजन के चार्ज को देखोगे तो वाटर पे 1 प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है। इस बात को हमेशा याद रखना कि वाटर में ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर 1 प्लस चार्ज होगा। ओके, तो अब चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो अब क्या होगा, यहां पर ये जो O2 माइनस है, ये O2 माइनस आपको क्या करेगा, न्यूट्रल होने के लिए अपने दो इलेक्ट्रॉन को, ये O2 माइनस जो आप देख रहे हो, ये न्यूट्रल होने के लिए अपने दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। और O2 कन्वर्ट करता है किसमें, ये O2 माइनस, ये O2 माइनस कन्वर्ट करेगा O2 गैस में। देखिए ये O2 माइनस कन्वर्ट करेगा O2 गैस में। अब आप इसको बैलेंस कीजिए, यहां पर कितना ऑक्सीजन है, 2, यहां पर ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1, तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो अब चार्ज कितना हो गया, 4 चार्ज हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना लॉस होगा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो अब आप यहां पर देख सकते हो 2 ऑक्सीजन, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन, यहां पर देखो 4 नेगेटिव चार्ज, इधर भी चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो एटम भी बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। क्योंकि यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये होता है आपको किस पर, ये होता है आपको एनोड पर। तो लिखेंगे एट एनोड, तो एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर आपको ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, क्लियर हुआ। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ना, ये वेस्ट नहीं जाएगा, इसको गेन करेगा कौन, हाइड्रोजन। तो अब देखो कैसे गेन करेगा, हाइड्रोजन वाटर में H प्लस के फॉर्म में होता है और वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और कन्वर्ट कर जाएगा किस में, H2 में। शायद आपको ये बात पता होगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हमेशा ऑक्सीजन से डबल होता है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमेशा डबल होता है ऑक्सीजन से आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया एटम के मामले में। तो अब यहां पर भी क्या लगाएंगे, 4। तो अब देखो ना यहाँ पे, अब आप यहां पर देख सकते हो 4 H प्लस को 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो वो न्यूट्रल 2H2 बनाया। 2H2 का मतलब क्या, 4 हाइड्रोजन। तो अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो ये प्रोड्यूस होगा एट कैथोड, किस पर होगा, क्योंकि H प्लस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसलिए नेगेटिवली इलेक्ट्रोड कैथोड पर जाएगा। सिमिलरली O2 माइनस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड एनोड पर जाएगा एट कैथोड। और ये हो गया आपका क्या, रिडक्शन, क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। और ओवरऑल एक बार फिर क्वेश्चन को देख लो, एक्चुअली क्या हुआ था, वाटर था, वाटर में हम लोग करंट पास किए थे तो वो O2 बनाया, ये देख सकते हो आप यहां पर, और क्या बनाया, 2H2 बनाया, देख रहे हो ना, और यहां पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के मदद से लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप क्लास 10 से आगे जाओगे, जब क्लास 11 में जाओगे तो वहां पर एक चैप्टर मिलेगा केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें ये सारी चीजें पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं क्लास 10th में ही ये सारी चीजें बता देता हूं। इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फोटोलाइसिस। एक्चुअली द वर्ड फोटो स्टैंड फॉर लाइट, फोटो का मतलब लाइट होता है, एंड लाइसिस स्टैंड फॉर टू स्प्लिट, मतलब टूटना। फोटोलाइसिस इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इट डिकम्पोजेस स्प्लिटेड टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट व्हेन वी लाइट पासेस। एक्चुअली फोटोलाइसिस एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। कब,
जब हम लोग लाइट पास करते हैं। चलिए तो कुछ एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, ये है सिल्वर क्लोराइड जो कि एक सॉलिड होता है। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड में जब सनलाइट देंगे, मतलब लाइट एनर्जी देंगे, तो सिल्वर क्लोराइड दो पार्ट में टूट जाएगा। एजी अलग हो जाएगा सिल्वर, और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए इधर टू और इधर हम टू लगा देंगे। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ओके, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड इट डिकम्पोजेस टू टू एटम ऑफ सिल्वर एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन व्हेन वी पासेस सनलाइट। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहां पर एटम वर्ड का इस्तेमाल किया और यहां पर मॉलिक्यूल का, तो आपको ये बात पता होगा कि एलिमेंट का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो एटम होता है, और मॉलिक्यूल का जहां तक बात है तो मॉलिक्यूल आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड भी होते हैं, और यहां पर Cl2 एक मॉलिक्यूल्स है, ये बात आप जानते होंगे। तो इसलिए यहां पर मैंने मॉलिक्यूल वर्ड का इस्तेमाल किया और यहां पर मैं एटम वर्ड का इस्तेमाल किया, ओके। अब आप अगला रिएक्शन देखो, यहां पर सिल्वर ब्रोमाइड है, तो सिल्वर ब्रोमाइड में जब सनलाइट पास करेंगे तो लाइट एनर्जी के मदद से सिल्वर ब्रोमाइड भी आपको स्प्लिट कर जाएगा, मतलब टूट जाएगा, तो सिल्वर सॉलिड अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। यहां पर एक सवाल है, सवाल यह है कि एनसीईआरटी बुक में आप जाकर के देख सकते हो, ये पेज नंबर आपको 10 में मिलेगा, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 10 में। तो एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 10 में जहां तक बात है ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन गैस के फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है? गैस के फॉर्म में। लेकिन ये बात आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि ब्रोमीन नेचर में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दो एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, मेटल में सिर्फ एक मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में होगा, मेटल ओनली मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, और नॉन मेटल में ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में दो एलिमेंट लिक्विड के फॉर्म में है, मरकरी मेटल के फॉर्म में लिक्विड और ब्रोमीन नॉन मेटल के फॉर्म में लिक्विड। तो लेकिन एनसीईआरटी बुक में ब्रोमीन गैस दिया है जो कि सही नहीं है, तो इसीलिए मैंने जब भी पढ़ाता हूं तो ब्रोमीन को यहां पे मैं लिक्विड से रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि ब्रोमीन नेचर में लिक्विड के फॉर्म में होता है, ओके। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेस एनर्जी देने की वजह से जो ब्रोमीन है वो लिक्विड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर गया होगा, तो वो बात की बात है, बट ब्रोमीन का जो फिजिकल स्टेट है रूम टेम्परेचर पर वो तो लिक्विड होता है ना। ये जो नीचे वाला जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। वो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है और जो ऑप्टिकल्स होते हैं, खासतौर के जो सनग्लासेस होते हैं, सनग्लासेस में आपको सिल्वर ब्रोमाइड ही फिल कर दिया जाता है। तो जब कोई आदमी जब सनलाइट में जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता है सिल्वर में और ब्रोमीन में, और इसका जो मिक्सचर होता है वो आपको लाइट ब्राउन या लाइट ब्लैक होता है, जिसकी वजह से जो गिलास है, जो चश्मा है, वो आपका थोड़ा ब्लैक हो जाता है। तो सनलाइट में आपको सही रहता है, आप आसानी से उसको पहन के जा सकते हो बाहर। तो ये था आपको फोटोलाइसिस रिएक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और एक खुशखबरी है आपके लिए, मेरे इस चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, सोशल साइंस का, हिस्ट्री का, सोशल साइंस में भी हिस्ट्री का अलग से आपको मिलेगा, मैथमेटिक्स का, तो प्लेलिस्ट को देखना ना भूले। और चूंकि अभी कोरोना का टाइम है तो घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।